अभी तक हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों को कष्ट जरूर दिया तो भी क्या बोला, मैं भूलूंगा नहीं। इन्होंने मसीह को पहचाना नहीं, आया था पहचाना नहीं। लेकिन ध्यान रखें, ये विषय देखने का डर भी लगता है लेकिन एक तसल्ली है, आखिर मारने वाला बाप ही है ना, मारेगा तो भी घर से निकालेगा नहीं। मारता क्यों है, ताकि हम क्या हो जाएं, सुधर जाएं। लेकिन खतरा है, इसराइलियों को तो मारा, हमें मारेगा नहीं, हमें क्या कर देगा, छोड़ देगा। क्योंकि ये देखने के बाद यीशु के क्रूस के वॉल्यूम दे देना, यीशु के क्रूस के उस प्रेम को देखने के बाद भी अगर चलने का मन नहीं है तो परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं चलाएगा। इसलिए नहीं आ रहा, आवाज नहीं है, हालेलुया, आ रहा है? नहीं आ रहा है, चलिए। सो प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, इसराइली के साथ परमेश्वर जबरदस्ती क्यों कर रहा, वाचा बांधा है और हमें दिखा रहा कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। सो इस स्वभाव को समझकर हमने चलना है। तो अब अगला, ये इसराइल कौन से साल इसको आजादी मिली, बोलिए, देश कौन से साल बना, ये 1948 मई 15 को ये देश बना। अब ये देश को जरा देखें, और फिर जैसे मैंने पीछे बोला था कि मसीह लोगों ने सताया, असली में मसीह बोलने का तो रोमन कैथलिक कलीसिया ने यहूदियों को खूब मारा, रोमन कैथलिक कलीसिया पोप के समय में इन्होंने बहुत सताया। सो इधर इसराइल देश, आज के इसराइल देश को आप देख लें, ऊपर से नीचे 424 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी सिर्फ 114 किलोमीटर है, छोटा सा देश है। लेकिन मालूम है कोई भी दिन समाचार में इसराइल का नाम तो आता ही आता है, छोटा सा देश, दो तिहाई देश मरुभूमि है, दो तिहाई देश। अब्राहम को परमेश्वर इधर लेकर आया, अब इसराइल अब एक देश बनकर 70 साल हो रहे हैं। अब ये जब वापस आए, अब देखना इनके साथ की परिस्थिति क्या है। ये जो लोग आए हैं ना, ये सब एक जगह से नहीं आए हैं, ये अलग अलग देशों में थे। अब उधर से जब वापस आए, मालूम है इन्होंने देश को बनाया कैसे, इनके बीच में ये किबुट्स बोलकर एक आंदोलन है, किबुट्स बोलकर। उसमें क्या है, बेशक हम अलग अलग देश से आए हैं तो भी हमने मिलकर ये देश को बनाना, ये है यहूदी की सोच। क्या है, हमने मिलकर हमारे देश को बनाना, क्योंकि आसपास का कोई भी मुसलमान देश इनको जीने नहीं देता, उनको बहुत अखरता है जब इनके बीच में इसराइल है। इनकी स्थिति ऐसे है, मैं आपको आज नक्शा बता दूं तो, दुनिया का नक्शा समझाने के लिए बोल रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ये हमारा देश भारत दिख रहा है, इसराइल इधर है, आपको दिख रहा है, ये भारत, ये इसराइल। इधर से बॉम्बे से एक हवाई जहाज इसराइल का इधर से सीधा ऐसे जा सकता है, आराम से, शॉर्टकट है सीधा। लेकिन ये पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब मुसलमान देश एक इसराइली हवाई जहाज को अपने ऊपर से उड़ने नहीं देते हैं। इसलिए बॉम्बे से हवाई जहाज इधर से ऐसे जाकर, ये समुद्र के ऊपर से ऐसे जाकर इसराइल में जाता, आज की बात है। इतना नफरत है मुसलमान दुनिया को एक यहूदी से। लेकिन इस इसराइल के साथ परमेश्वर होने के कारण
दुनिया इस देश का कुछ नहीं कर पा रही। नरेंद्र मोदी जी भी अभी इसराइल जा रहे हैं, छोटा देश लेकिन सारी दुनिया के लिए आशीष भी है और सिरदर्दी भी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इन्हें जो छुएगा वो किसको छूता है, मुझे छूता है। सो देख लीजिए ये देश अपने आप को बनाया कैसे। ये बोलते हम मिलकर बनाएंगे, और आपने व्यवस्था विवरण में पढ़ा था, प्रभु ने बोला जब तुम जाओगे देश बंजर पड़ा रहेगा, देश अपना सबत मनाएगा, आपने कल पढ़ा है। सो जब इसराइली कनान में नहीं है, मुसलमान लोग उधर रहते हैं तो भी जमीन बंजर थी, जो मर्जी करते थे तो भी उधर से कुछ नहीं निकलता था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोल रखा है देश अपना क्या मनाएगा, विश्राम, अपना सबत, क्योंकि मालिक उधर जब नहीं है वो जमीन अपना फसल किसी को नहीं देगा। देखिए परमेश्वर की आशीष। ये वापस आए, आदमी और औरत दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बोले हमारा देश है, हम बनाएंगे। अब आप बोलो, हम विश्वासी हैं है ना, परदेशी तो हैं, लेकिन क्या भारत हमारा देश है? क्या हमें अपने देश के प्रति वफादार होना है? हाँ जी, बाकी देश को लूटने में ही लगे हैं, वो चाहे लूटे, एक विश्वासी का फर्ज है, मैं हिंदुस्तानी होकर मुझे गर्व है, ये मेरा देश है, इस देश की रक्षा, देश की भलाई हमारा कर्तव्य है। इसलिए एक विश्वासी अपने देश के प्रति वफादार है। सो इधर ध्यान रखें, इन लोग अपने देश को बनाने में लगे हैं, बंजर है, मरुभूमि है, इकट्ठे मिलकर काम करने लगे, और आज मालूम क्या मरुभूमि क्या हो गया, हरा भरा हो गया। मैंने वो आयतें आपको पढ़ा है, हरा भरा किया, ऐसा देश जिसमें पहाड़ और पथरी हैं, इन लोग आकर मेहनत की और आज देखिए पूरा क्या हो गया, हरियाली आ गई। देखा कैसे हरा भरा किया, लेकिन मरुभूमि को भी क्या कर रहे हैं, हरा भरा कर रहे हैं। इनकी सोच देख लीजिए, इन लोगों का मैं बस्ती दिखा रहा हूं, ये बस्ती, ये सब गांव वाले हैं, गांव हैं, ये जितनी भी जमीन है ये पूरे गांव की है, किसी एक की नहीं है। उन लोग अपने देश को बनाते कैसे हैं? हम लोग के इधर गांव में वो उसकी जमीन है, इसकी जमीन है, इसराइली में ऐसा नहीं है, ये पूरी जमीन हमारी, ये गांव के सब लोग इकट्ठा मिलकर काम करते हैं, और इकट्ठा ही जो फायदा मिलता है आपस में बराबर में बांटते हैं। ये मेरी जमीन है बोलकर नहीं बैठे, ये किसकी जमीन, हम सबकी। ऐसे इन्होंने मेहनत करके इस देश को क्या किया, हरा भरा बनाया। देख लीजिए कैसे है, बंजर पड़ा हुआ देश आज क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा फूल बेचने वाला देश इसराइल है। और आपको मालूम है इस देश में एक नदी है, डेड सी, मौत का सागर, उसमें आप लेट कर न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, डूबेंगे नहीं। ये वही जगह है जिधर सोदोम और गोमोरा था, परमेश्वर ने आग और गंधक बरसाकर जो नाश किया। अब देखिए ये इसराइलियों का दिमाग, परमेश्वर ने जो आशीष दी है, आपने पिछले क्लास में देखा इन्होंने जो सताव इनके बीच में इनको हुआ, किसी दुनिया को ऐसा सताव नहीं हुआ। लेकिन अब दुनिया का सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीतने वाला देश इसराइल है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नोबेल प्राइज 178 यहूदियों ने जीता है। हमारा देश दुनिया में आबादी में नंबर 2, लेकिन बड़ी मुश्किल से 1 मिला है, दुनिया का सबसे छोटा, 178 यहूदियों ने नोबेल प्राइज जीता है। 1901 से 2008 तक 23% नोबेल प्राइज इनके ही हैं। अब बोला जाता है कैंसर का इलाज भी कोई यहूदी ही लाएगा, और किसी के बस की बात नहीं है। ये देख लो, लिपस्टिक बनाने वाला यहूदी, जीन्स बनाने वाला यहूदी, नेस्कॉफी बनाने वाला यहूदी,
स्कॉच गार्ड बोलकर यहूदी, ट्रैफिक लाइट बनाने वाला यहूदी, आपके टीवी का रिमोट का यहूदी, ये बॉल पेन जो आप लिखते हैं ये भी बनाने वाला कौन है? यहूदी का हमारा सौभाग्य यहूदी ने बनाकर दिया है, उसका दिमाग जरा देखें। उतना सिर्फ नहीं, परमाणु बम यहूदी का दिमाग है। परमेश्वर के बारे में भी हम किसके द्वारा जानते हैं? कौन सी कौम है? ये यहूदी। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए, ये सारा कुछ बड़े बड़े आविष्कार सब करने वाले कौन? यहूदी। अमेरिका का हॉलीवुड यहूदी का है। ये पुराना वीडियो कैसेट मालूम है ना, ये भी यहूदी का दिमाग। सिनेमा, ये भी यहूदी का दिमाग। टीवी यहूदी ने बनाया। ये पुराना वीडियो, ये जो सीडी गोल वाला चलता था, ये भी यहूदी का है। सारे काम किसके? अगला आप देख लीजिए, आप ग्रीन हाउस देखते हैं ना, गर्मी बाहर ज्यादा इसलिए ऐसे शेड बनाकर पौधे उगाते, ये अकल भी यहूदी का। ये मालूम, आप लोग अपने खेती में क्या करते हो, जहर मारते हैं ना, दवाई लगाते हैं ना, और फिर उसी को खाते हैं, कितना भी धोएंगे वो नहीं जाता। लेकिन यहूदी मालूम क्या करता है, इसका दिमाग, ये पौधों में जहर या दवाई नहीं लगाता, ये पौधों में कीड़े खाने वाले कीड़े का स्प्रे मारता। कौन से कीड़े पेड़ पौधे में लगा देता है? वो कीड़े जो क्या खाते हैं? कीड़े को खाते। इसलिए इसके सब्जियों में क्या नहीं है, केमिकल है नहीं। चूहे पकड़ने के लिए ये उल्लू को पालता, जिससे इसके देश में चूहे का समस्या नहीं है। किसको पाल रखा है इसने? उल्लू पाल रखे। स्टील बनाने वाला, स्टेनलेस स्टील बनाने वाला भी यहूदी। हम देखा मरुभूमि को हरा भरा कैसे किया, हमारा दिमाग और यहूदी के दिमाग को जरा देखे। हमने इनको पानी डालना है ना, एक बड़ा नाली बनाएंगे बीच में से सीधा, पानी पूरा वो नाली में बहेगा, आधा पानी तो जमीन पी लेगा, पौधे के पास थोड़ा ही पहुंचेगा। यहूदी ने मालूम क्या किया, बीच में से पाइप डाली सीधी, और हर पौधे के पास उस पाइप में एक सुराख है, तो पानी सिर्फ किधर ही आएगा, किधर? वो पौधे में। हम होते तो हमने तो ये सारा गीला करना था, सारा पौधे में तो आएगा नहीं, हमने गीला ये पूरा करना था। यहूदी ने क्या किया, नाली बनाने के जगह में उसने क्या किया, प्लास्टिक का, यानी परमेश्वर का आशीष देगा। हमारा नहीं चलता ऐसा दिमाग। मशीन लगाकर दूध निकालना जानवर का, वो भी उसने ही बनाया। लेजर, वो भी यहूदी का दिमाग है। सबसे पहला मोबाइल फोन, दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन मोटरोला, यहूदी का दिमाग है। आपके कंप्यूटर में जो चिप लगा है ये भी यहूदी का। अब जो पेन ड्राइव लेकर चलते हैं ये भी बनाने वाला यहूदी। अब आजकल पेट में कुछ दिक्कत हो तो डॉक्टर आपको ऐसी छोटी सी गोली कहलाता, ये गोली के अंदर कैमरा लगा है, वो अंदर जाता है, वो अपने आप घूमता रहता है, डॉक्टर कैमरा में देखता रहता है, ये भी बनाने वाला कौन? यहूदी। एमआरआई स्कैन, इसका मशीन भी यहूदी का दिमाग है। हार्ट अटैक होता है तो जो बिजली का शॉक मारते हैं वो भी यहूदी का दिमाग है। परमाणु हथियार का, ये भी किसने बनाया? इसलिए दुनिया ये यहूदी से डरती है, जो कुछ भी बनाया इसके पीछे दिमाग किसका? यहूदी का। जबकि जरा सोच कर देखें, सबसे ज़्यादा सताव सहने वाला कौम कौन सा? और आप और मैं, सोच कर देखें, यहूदी से भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। हमारे अंदर कौन है, हमारे अंदर कौन है जी? नहीं, कोई नहीं है अंदर। कौन है? पवित्र आत्मा है, सर्वज्ञानी है। अगर यहूदी इतना कर सकता तो हम उससे कितना ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमें फुर्सत तो मिले ये चिंता से दूर होने के लिए, क्योंकि हमने तो कसम खाई है, चाहे कुछ भी हो हमने तो क्या करते रहना, क्या करना,
यहूदी ये सब के लिए उसके पास फुर्सत क्यों है वो चिंता नहीं करता, बोलता डंडे पड़ते तो बाप ही मारता, हम बोलते हैं शैतान मारता, वो बोलता बाप ही मारता है, जो भी करेगा बाप ही करेगा, उसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हम चिंता में डूबे रहते हैं इसलिए ना तो घर के ना गांठ के। ये दुनिया में इतना सताव सहा हुआ कौम, अब मालूम है इन्होंने क्या भी किया। यहूदी का एक खूबी है, इसराइल में जाएंगे तो उधर एक विचित्र घटना है, उधर के नौजवानों के पास ऐसा बंदूक है और यही लेकर चल रहे होते हैं सड़क में, बड़ी बंदूक लेकर, आदमी और औरत दोनों, क्योंकि छोटी सी छोटा देश है, हमेशा हमला होता है, बंदूक लेकर चल रहे होते हैं। इनके खिलाफ कितनी लड़ाइयां हुई लेकिन इनको कोई हरा नहीं पाया, क्यों? परमेश्वर इनके साथ। ऐसे लोग हैं, चुस्ते हैं, मालूम अभी क्या भी बनाया, मशीन में मीट बनाते हैं, इनको मुर्गी विर्गी नहीं चाहिए, मुर्गी बकरा नहीं चाहिए, मीट के लिए किस में बनाते हैं, मशीन में बनाते हैं मुर्ग मीट। सुना है? इतनी अकल कहां से आई? हमारे देश के अभी कारगिल की लड़ाई में भी भारत जीता, मालूम है इसराइल ने जो मदद किया, छोटा सा देश सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण बना। इनके ऊपर पास से बाकी देश बम बरसाते हैं, उसके लिए भी इसके पास इलाज है, इधर से रॉकेट मारते हैं, इसके अपने रॉकेट जाकर उसको ऊपर ही मारते हैं, ऐसा ऐसा है इन लोगों का सिस्टम। छोटा सा देश, वचन में लिख कर दिया इनके साथ कौन है, परमेश्वर है। सो अब आप एक आयत पढ़ लीजिए, नाहुम सा नाहुम नहीं सफन्या 3:9 पढ़िए, सफन्या 3:9। सफन्या 3:9। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। उस समय, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, दोबारा पढ़िए। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें, कि वो सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। और हाँ, आगे, और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। एक मन से कंधा मिलाकर उसकी क्या करें, सेवा करें। अब ध्यान से आप समझना, ये अलग अलग देश से आ तो गए लेकिन मुसीबत क्या है, इन सब की भाषा अलग अलग है, बाबुल के गुम्मट की तरह का समस्या है, क्योंकि पीढ़ियों से उधर रह रहे हैं, भाषा एक है नहीं, अब झंझट है, अब आपस में बात कैसे करें। परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं इनको क्या दूंगा, एक पढ़िए दोबारा। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। ये इब्रानी एक ऐसी भाषा है, विचित्र है, जो मर गई थी, कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन वापस आया। दुनिया का एक सबसे बड़ा आश्चर्य काम है, मरा हुआ भाषा वापस आया कैसे, परमेश्वर लेकर आया ताकि ये सब एक साथ मिलकर बात करके प्रभु की स्तुति करें। इसका शुरुआत हुआ, ये आदमी था एलियाजर बेन यहूदा बोलकर, एक यहूदी, हमारी भाषा में बोले तो थोड़ा पागल है। कैसे पागल? इसके अंदर एक मन आया, हमने इब्रानी भाषा सीखनी, और अब सीखे तो सीखे कैसे, कोई बोलता ही नहीं है, किससे बोलूं, किसी को बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसने अपने परिवार में फैसला किया, शादी जब हुई इसने अपनी पत्नी को बोला हम यहूदी इब्रानी भाषा ही बोलेंगे, मंजूर है तो शादी करना, नहीं तो रहने दे। वो पत्नी भी ऐसी मिल गई, वो भी बोली मंजूर है, इब्रानी बोलेंगे। और बोला हमारा जो बच्चा होगा ना उसने भी कौन सी भाषा सीखनी बोलनी है, इब्रानी। और मालूम इतना खड़ दिमागी, परमेश्वर को कई खड़ दिमागी चाहिए, और ऐसा खड़ दिमागी घर में
किसी और की आवाज सुनने देता नहीं था। ये बच्चा जब हुआ, बच्चे ने ना तो चिड़िए की आवाज सुनी, ना गाड़ी की आवाज सुनी, कुछ नहीं, कमरे के अंदर बंद है। और इसके घर में अगर कोई आता था तो पहले से ही बोल देता था, आना है तो इब्रानी बोलना, नहीं तो नहीं आना। और कोई भाषा मेरे घर में बोलना ही नहीं है, पति पत्नी इब्रानी बोलते हैं। और ये शब्द बनाता था क्योंकि कोई बोलता ही नहीं है, दुकान में जाकर इब्रानी में बोलता था, दुकानदार भी इसको देखकर बोलता था तो बोल क्या रहा, क्योंकि दुकानदार को भी इब्रानी नहीं आती थी। सो आखिरी में ये इसके बच्चे ने किसी की आवाज ना सुनने के कारण मालूम मुसीबत क्या हो गया, बच्चा बोलता नहीं था। हम बोलते क्यों, हमें सुनाई भी देता। ये बच्चे को इसने बाहर की किसी की आवाज नहीं सुनाई, सिर्फ इब्रानी इब्रानी सुनाई। तो एक दिन हुआ क्या, ये कहीं बाहर दुकान में गया, वापस आया तो इसकी बीबी बच्चे को सुलाते वक्त बा बा वो कुछ बोलते जाए, इब्रानी नहीं कोई दूसरा शब्द बोल रही थी। इसको इतना गुस्सा चढ़ा, इतना पेट भर कर अपनी पत्नी को सुनाया, और मालूम है क्या हुआ, ऐसे डांट मारते समय एक अजीब काम हुआ। क्या, बच्चा पहली बार मुंह खोला और कौन सा शब्द बोलता है, इब्रानी। पहला यहूदी जो जन्म के बाद मुंह खोलते वक्त इब्रानी भाषा बोल रहा है। और आज आप इसराइल जाएंगे, इसराइली बोलने वाला भाषा इब्रानी है। एक आदमी के द्वारा शुरू हुआ, भविष्यवाणी परमेश्वर ने पहले से कहा था, मैं इन्हें क्या दूंगा, एक शुद्ध भाषा दूंगा। यानी परमेश्वर के पूरे इतिहास में उत्पत्ति से लेकर इधर तक आप देख लो, अभी तक देख लो, एक बंदा, एक मूसा, एक अब्राहम, एक यूसुफ, एक याकूब, एक दानियल, एक यहूना। वैसे ही परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, एक, सिर्फ एक जो परमेश्वर के लिए समर्पित है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं केवल तेरी इच्छा। सो इसराइल तो देश तो बन गया। 1956 में मिस्र लड़ाई के लिए आ गया, क्योंकि इनको अखर रहा था कि इसराइल देश हमारे बीच में कैसे है। बड़े जोर से नासिर उस समय का राष्ट्रपति था, उसने तो धमका डाला, मैं 100 घंटे में इसराइल को पृथ्वी के नक्शे से मिटा दूंगा। इसराइल के पास उसने अपना इसराइल के इधर का जो बंदरगाह को बंद किया, लड़ने के लिए आ गया। और मालूम है परमेश्वर इसराइल के साथ रहा, और दुनिया हैरान है मिस्र को उस समय इसराइल ने हराया कैसे। यह था राष्ट्रपति नासर, बहुत पकड़ा था, मैं तो मिटा डालूंगा, इसराइल की मिट्टी में यहूदी का खून होगा। खुद जिंदा बच गया, क्योंकि परमेश्वर ने अगर इसराइल को खड़ा किया तो दुनिया का कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता। ये एक। उसके बाद फिर ये बाबूजी आ गया, जानते हो इसको, सुना है, अराफात 1964 में आया। इसने कसम खाई थी, मैं तो इसराइल को मिटा दूंगा। जो लोग समाचार सुनते हैं उनको मालूम है इस बेचारे का हाल क्या किया था। एक बार तो इसके बेडरूम में इसको बिठाया, मोमबत्ती डालकर बैठा था, बड़ा टैंक का तोप का वो पाइप इसके बेडरूम में लगा कर रखा था, दुनिया कुछ नहीं कर सकी। उसके बाद 1967 में अगला 6 दिन का लड़ाई, 6 दिन के अंदर इसराइल दुश्मन को हराकर कितने देशों से लड़ा और जीत पाया। फिर उसके बाद अगला वो 6 दिन का लड़ाई के बाद ये इसराइल का ये लड़ाई, मैं इन सब में नहीं जा रहा। फिर अगला लड़ाई इनका, 6 दिन के लड़ाई में इन्होंने यरूशलेम अपने कब्जे में लिया। उसके बाद आया योम किप्पुर की लड़ाई 1973। आप लोग समय निकालकर ये लड़ाइयों के बारे में सीख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर इसराइल के साथ रहकर ये लड़ाई में इसराइल को जय दिया। और फिर हर लड़ाई में इसराइल जीतता गया, ये हारते गए।
1978 में मिस्र पहली बार आकर इसराइल को देश करके माना, बोला अब हम लड़ेंगे नहीं, हम तुझे देश करके मानते हैं। 1994 में जॉर्डन आकर हाथ मिलाया, बोला अब मेरी तेरे से दुश्मनी नहीं, मैं तुझे देश करके मानता हूं। 1993 में यही उग्रवादी इसराइल से आकर हाथ जोड़कर बोलता है मैं तुझे देश कर मानता हूं। अब मिस्र, ये सीरिया है जिसने अभी तक इसराइल को देश कर नहीं माना। उसके बाद लेबनन है जिसने अभी तक इसराइल को देश कर नहीं माना। देखिए छोटा सा देश, छोटा सा देश, मार तो पड़ी है लेकिन दुनिया के लिए आशीष का कारण भी है क्योंकि परमेश्वर इसके साथ है। देख लीजिए इसके चारों तरफ 22 मुसलमान देश हैं, 640 गुना बड़े हैं और इससे 60 गुना ज़्यादा उनकी आबादी है। ये देशों ने कसम खाया इसको मिटाने के लिए लेकिन अभी तक इसराइल जिसने मसीहा को स्वीकार नहीं किया उसको अगर मिटा नहीं पाए तो प्यारे अजीजों आप और मैं परमेश्वर के जीवते मंदिर हैं। शैतान आपका कुछ बिगाड़ पाएगा क्या? डरते क्यों हैं? अगर परमेश्वर इस ढीठ देश के साथ आज भी है तो मेरे साथ वास करता। इनके साथ की मुसीबत मालूम क्या है यहूदी की? ये तस्वीर आप देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है लेकिन एक दिक्कत है, इनके मंदिर के जगह में एक मस्जिद है। यहूदी आज भी उसको देखकर रोता, मैंने बहुत कुछ कर लिया लेकिन मैं बड़ी जल्दी मैंने मंदिर बनाना है। लेकिन परमेश्वर ने इनको मंदिर बनाने का मौका क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप और मैं जो जीवते मंदिर इस संसार में हैं, जब तक हम हैं ये यहूदी क्या नहीं बना पाएगा, मंदिर बना नहीं पाएगा। इसलिए आज ये यरूशलेम राजधानी है, यरूशलेम, लेकिन इसके बीच में यहूदी को अखरने वाला एक ही चीज़ है, हमारे मंदिर के जगह में एक मस्जिद है। प्रभु यीशु आएगा जब असली में प्रभु यीशु यरूशलेम में ही राजधानी में बैठकर क्या करेगा, दुनिया भर राज्य करेगा। सो मैंने इतना अभी तक का इसराइल का इतिहास आपको बताया, किधर से शुरू किए, अब्राहम से लेकर 2017 में इसराइल की स्थिति, अभी इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू है, ये ओबामा इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन, अगर कोई अमेरिकन राष्ट्रपति था तो ये ओबामा था। बहुत कोशिश किया इसराइल के खिलाफ बहुत कुछ करने के लिए लेकिन कुछ कर नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे शाप देगा मैं शाप दूंगा। मैं इतना क्लास कल से आज तक अब्राहम से लेकर अभी तक इसराइल का विषय आपको दिखाया, कैसे इसराइल, अब अगले क्लास में खाना के बाद जो अगला क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे अब आगे होने वाली घटनाएं क्या हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना कर इस बार का क्लास समाप्त करेंगे। लेकिन अब हम अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं अब्राहम से लेकर, उससे पहले आप देख लीजिए वो जो संगमरमर का पत्थर परमेश्वर ने हाथ में लिया, काम शुरू किया। इसराइल को देखे ना, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, यहोशू, हाँ यहोशू के बाद फिर आगे न्यायी, फिर राजा, फिर नबी, उसके बाद यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला, फिर प्रभु यीशु, उसके बाद कितनी घटनाएं हुए। आज तक परमेश्वर इसराइल के साथ वफादार है तो प्यारे अजीजों मुझे और आपको पुत्र का दर्जा दिया, इनसे बढ़कर दर्जा दिया, इनसे भी एक ऊंची बुलाहट है। परमेश्वर चाहता है मित्र की तरह हमारे साथ चलने के लिए। आइए हम सिर झुकाएं, थोड़ी देर हम परमेश्वर से बातें करें। हालेलुया, धन्यवाद हो। अगर ये यहूदी को इतना दिमाग दिया है तो आप ये बोलकर ना बैठे मैं अनपढ़ हूँ मुझे कुछ नहीं आता, नहीं, सर्वज्ञानी आपके साथ है।
अगर इसराइल दुनिया के लिए इतना कुछ आशीष बना है तो आपका जीवन कितना और ज्यादा आशीष का कारण बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातें करें। हालेलुया। इसराइल ने आज तक यीशु को मसीह कर नहीं माना है। विरोधी मसीह को मानेंगे, फिर डंडे पड़ेंगे, फिर ये मूसा और एलिया आएगा, फिर ये चिल्लाएंगे, ये सब होगा, फिर जाकर ये यीशु को मसीह कर मानेंगे। हमारा सौभाग्य, हम यीशु को मानने का सौभाग्य हमें मिला। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी भाषा खत्म हो गई थी, वापस आ गई। इसराइल परदेश में थे, वापस आ गए। प्रभु ने कहा है, अंजीर के वृक्ष में जब कोपले निकलेंगे, प्रभु का आना नजदीक है, समझ लेना। हालेलुया। हमारे सामने ज्यादा समय नहीं है, मैंने उसके वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया, मैंने उसके वचन के अनुसार चलना है। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। दूध पिलाने वाली माँ भूल जाएगी, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। इधर से आज जाते वक्त उस तसल्ली के साथ जाएं, मेरा बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं अपने मन से चिंताएं हटा दूं, मेरा जीवन कितना आशीष का हो सकता है। मैं फालतू बातें सोचते क्यों रहता हूँ? आप चाहे खेत में काम करते हो, चाहे दफ्तर में काम करते हो, आप अपने गांव के लिए, आप अपने दफ्तर के लिए कितनी आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। आपके द्वारा दूसरे लोग कितनी बातें सीख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी आने वाले दिनों में इसराइल में जा रहे हैं, ताकि उस देश से कई बातें सीखना है। भारत के रक्षा के लिए बहुत सारी चीजें इसराइली हैं, छोटा सा देश, परमेश्वर की आशीष ऐसे है तो परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का वारिस, परमेश्वर का दोस्त कितना आशीष का कारण बन सकता है। हालेलुया। बपतिस्मा लेकर मैंने यीशु को जब पहन लिया, मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं, मैंने उसे प्रभु कर माना है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करती है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु कितना महान है, वो कोड़े मारता है तो भी प्यार करता है। आज इधर से जाते वक्त उस तसल्ली से जाएं, मेरा बाप मुझे प्यार करता है, इसलिए मौका दे रहा है कि मैं उसकी आवाज को सुनकर, उसके प्यार को समझकर उसके साथ चलूं। हालेलुया, धन्यवाद, 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 स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति ओ प्रभु, तेरी स्तुति। हालेलुया। हमने वो भविष्यवाणी पढ़ा, वो हड्डियों का ढेर जो सूखा था, कैसे एक में एक मिल गया, उसमें जान आ गई और एक बड़ी फौज की तरह खड़ा हो गया। वो इसराइल को दिखा रहा है। इसराइल देश हड्डी हड्डी हो गई, सूखी पड़ी थी, कोई सोच नहीं सकता था ये देश वापस आएगा, लेकिन किस प्रकार परमेश्वर इनको वापस लाया, हमारे नजरों के सामने है।
हालेलुया हालेलुया ये चित्र अपने आप आपको कितनी बातें सिखाती है। यहूदी कहता है अगर सूरज की रोशनी ना दिखे तो भी मुझे सूरज पर विश्वास है, अगर मुझे प्रेम का एहसास नहीं होता है तो भी मैं प्रेम पर विश्वास करता हूं, अगर परमेश्वर खामोश रहेगा तो भी मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। काश मैं और आप भी उतना विश्वास होता। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 स्तुति 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 हालेलुया हालेलुया जय जयकार स्तुति हो हालेलुया हालेलुया। प्रेमी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे वचन को देखते वक्त तो कितना सच्चा है प्रभु, इसके द्वारा तेरी आदत को पहचान कर भय के साथ भक्ति के साथ तेरे पीछे चलने के लिए तू हम एक एक को सहायता कर प्रभु। अभी हम खाने का ब्रेक लेते हैं प्रभु, इसके बाद फिर भी जब आते हैं आखिरी सेशन के लिए विनती है प्रभु, आखिरी सेशन हम सब के लिए आशीष का कारण बना, सब महिमा आप ही को देते हैं यीशु मसीह के नाम से मानते हैं।